हाँ तो नमस्कार दोस्तों, अभी अभी जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर जो है आप लोग के लिए आई है। तो आप देख सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट का जो भी परीक्षार्थी इंतज़ार कर रहे थे, उनकी इंतज़ार की जो घड़िया है समाप्त होने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग ने यह निर्णय ले लिया है कि बीपीएससी 67वीं की जो पीटी परीक्षा का जो रिजल्ट है 15 नवंबर तक जो है जारी कर दिया जाएगा। आप आज के प्रभात खबर में देख सकते हैं, प्रभात खबर के मेन पृष्ठ में ही ये न्यूज आई हुई है, जिसमें बताया गया है कि 67वीं बीपीएससी पीटी के 8 प्रश्नों का उत्तर भी चेंज किया गया है। बहुत सारे प्रश्न पर जो है परीक्षार्थी जो थे आपत्ति दर्ज कराए थे, तो उन्हीं आपत्ति को जांच करते हुए बीपीएससी जो ने है 67वीं पीटी के 8 प्रश्नों का उत्तर भी चेंज किया है। तो हम लोग पूरे न्यूज को एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के 8 प्रश्नों के उत्तर में जो है बदलाव किया है। आयोग ने यह निर्णय 30 अक्टूबर को आयोजित इस परीक्षा के प्रोविजनल आंसर की पर छात्रों से मिली आपत्ति पर विचार करने के बाद लिया है। इसके बाद अंतिम आंसर की के आधार पर उत्तर पत्र की जांच शुरू की गई है, यानी आंसर शीट जो है आपकी जांच कर शुरू हो गया है और समाप्त भी होने वाली है। 67वीं पीटी के बाद बीपीएससी के वरीय अधिकारियों ने इसका रिजल्ट जो है 15 नवम्बर तक जारी कर देने की घोषणा की थी। इसे समय पर पूरा करने का प्रयास चल रहा है, हालांकि इसमें 2-3 दिनों की देरी भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह के अंत तक रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और 1 दर्जन से अधिक विभागों के विभिन्न पदों की 802 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए जो है यह परीक्षा ली गई है। और इस परीक्षा में जो है 3,15,000 परीक्षार्थी जो है पीटी में शामिल हुए थे। तो यह आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। और हाँ, इसी तरह के न्यूज और यदि आप बीपीएससी या बिहार के किसी भी स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।